मुझे हाथ मत लगाइए, मत छुइए मुझे। गुलाबो तुम ये सब क्या बोल रही हो? अरे तुम वोटी हो मेरी। मैं आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। बहू तो बन सकती हूँ, लेकिन इस खानदान को उसका वारिस नहीं दे सकती। अच्छा, अब मेरी समझ आया। तुम वो माँ की पोते पोती देने वाली बात से नर्वस हो ना? ज्यादा हुआ तो बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, चाहे जितने। रीतो और बाऊजी को समझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अरे लेकिन फिर भी तो तुम मेरी वोटी हो। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि पत्नी बनने के लिए उसका औरत होना बहुत जरूरी है। जो कि मैं देखो गुलाबो, मजाक ना एक लिमिट तक अच्छा लगता है। तुम्हें समझ आ रहा है तुम बोल क्या रही हो? यार एक तो इतनी भोली हो, जो भी बोलती हो सच ही लगता है। मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मैं सच बोल रही हूं, क्योंकि माता रानी ने मुझे ऐसा ही बनाया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम जानती भी हो किन्नर किसको कहते हैं? मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा? किन्नर वो होती है जिसे उसकी माँ पूरी दुनिया से बचा कर रखती है, क्योंकि क्योंकि वो दुनिया वालों जैसी नहीं होती है। सिर्फ इसी की वजह से माँ में एक नहीं होने देना चला चला। एक सच और भी है, मैं आम लोगों जैसी तो नहीं हूं, पर मेरा दिल बिल्कुल आप लोगों जैसा ही है। पहली बार इस दिल को प्यार महसूस हुआ। हरमन जी, प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। तुमने मुझसे शादी क्यों की? ये जानने के बाद कि तुम्हें नहीं, नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मैं नहीं जानती हूँ आपकी कसम। झूठ 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 कहा है तुमने आज तक? तुम्हारे पैर पड़ती पर मत।
बस दो हफ्तों के लिए, सिर्फ दो हफ्तों के लिए मेरी बच्ची को पना दे दो, फिर मैं उसे लेके कहीं बहुत दूर चले जाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी में कभी लौट के नहीं आएंगे, तुम जो करना कर लेना, तुम दूसरी शादी कर लेना, अपने सपने संवार लेना, लेकिन सिर्फ दो हफ्तों के लिए मेरी बच्ची को पना दे दो हरमन। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन अपनी बच्ची के प्यार में अंधी हो गई थी मैं, मैंने माफ कर दो अरमान। उस मंदिर में मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, कल को अगर तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बेटी वैसी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, तो तुम तो सबसे पहले उसका हाथ छोड़कर भागोगे। मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी। आंटी जी, सिर्फ रस्में नहीं निभाई है, सौम्या के मेरे घर आने के बाद भी अगर मुझे पता चले कि सौम्या मोम की गुड़िया है, तो भी मैं अपने कहे से पीछे नहीं हूँ। मैं गलत ही हूँ, मैं माफ कर दो, माफ कर दो। लो अपनी लाडली बहू को, ज्यादा रोक टोक लगाने की जरूरत नहीं है मुझको, पोटी है पोटी बंद कर रहे, मेरी मां बनने की जरूरत नहीं है। बारिश भी फील्डिंग लगा कर बैठी थी, घर से बाहर निकला नहीं कि बरस पड़ी। आप तो पूरा भीग गए हैं जी। ये लीजिए, पूछ लीजिए। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब मैं खुद कर सकता हूँ। सुनिए जी, वालों ने सबने खाना खा लिया है, ये मम्मी जी ने आपके लिए ऊपर भिजवाया है, आप खा लीजिए प्लीज। कितनी बार समझाऊं, दूर रहा करो मुझसे, अगर बीवी बन नहीं सकती तो बीवी बनने की कोशिश मत करो। अगर एक बार तुम्हारे हाथ से परोसा हुआ नाश्ता अगर मैंने खा लिया, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे हाथ से परोसा हुआ खाना भी खाने लग जाऊंगा। मुझसे दूर रहा करो, मुझे बोलती थी ना दोनों के बीच पड़ती नहीं है, चुपचाप अभी जाके ना मैं माँ को बताती हूँ। मैं तो बोलती हूँ किसी को समझ में ही नहीं आता है, सबको लगता है कि मैं ही पागल हूँ, मैं ही पागल बातें करती रहती हूँ, मैं भी क्या
थकी हो यार, ऐसे पैरों में पहिए डाल के कहाँ भाग रही है पुत्र? अरे मम्मा, मैं आपके पास ही आ रही थी। मैं हमेशा बोलती थी ना, तो आप बोलते थे कि बोलती है, लेकिन मैं सच बोलती थी। हरमन और सौम्या के बीच नहीं पटते। आपको यकीन नहीं आ रहा ना, आप खुद मेरे साथ में चल के देखो। हरमन सौम्या के ऊपर चिल्ला रहा है। चलो क्षेत्री, चलो मेरे साथ। हाँ चल। नहीं मम्मा, मैंने तो। अरे आप लोग यहाँ कोई काम था तो फिर जासूसी?